हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल BEH क्लासेस पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि LDC में है ना, RSMSSB विभाग के द्वारा जो LDC 2018 की पोस्ट निकली थी, ठीक है, उसके जब हमारे ये जो DV वगैरह हो गए, रिजल्ट आने के बाद आपके पास डिपार्टमेंट चॉइस, ठीक है, डिपार्टमेंट चॉइस के लिए आपके पास एक प्रेफरेंस फिल करने के लिए आपके पास एक लिंक एक्टिवेट हुआ था, है ना, जिसमें जो पहले हमारे पास लास्ट डेट थी वो थी 22 मार्च, यानी आप 22 मार्च तक अपनी प्रेफरेंस फिल कर सकते थे। उसके बाद इस डेट को RSMSSP के द्वारा एक्सटेंड कर दिया गया 25 मार्च तक, ठीक है। और अब जो हमारे पास जो डेट है वो इंक्रीज़ हो गई है, वापस से एक्सटेंड हो गई है। तो अगर आपने अभी तक अपनी प्रेफरेंस फिल नहीं की है तो आप अभी भी अपनी प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है वो सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था, लेकिन जिन लोगों ने अपनी प्रेफरेंस फिल कर ली है या फिर जिन्होंने प्रेफरेंस फिल नहीं की है, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के रिगार्डिंग वो इस वीडियो में बताए जाएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ARD यानी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर रिफॉर्म्स एंड कोऑर्डिनेशन, इस पे जाना है। जैसा कि आपको यहाँ पर ऊपर ऊपर ही पता लग रहा है, देखिए क्या लिखा हुआ है। COVID-19 तथा लॉकडाउन के मद्देनज़र कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा यानी LDC 2018 के चयनित अभ्यर्थियों द्वारा विभागीय वरीयता भरने को एक्सटेंड कर दिया। कहाँ तक? 17 मार्च तक एक्सटेंड कर दिया, ये ऑर्डर था। जैसे यहाँ पर भी आप देखेंगे लिखा होगा कि LDC भर्ती परीक्षा 2018 के विभागों का विकल्प भरने, तो क्लिक करें एक्सटेंडेड अप टू 17/4/2020 6 PM, यानी आपके पास 17 अप्रैल तक इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने अभी तक अपने डिपार्टमेंट लिस्ट फिल नहीं की है वो अभी भी फिल कर सकते हैं, आपके पास दोबारा एक मौका आया है, ठीक है। तो आप इस मौके को मत जाने दीजिए, अपनी डिपार्टमेंट लिस्ट फिल कर लीजिए। अगर आप डिपार्टमेंट लिस्ट फिल नहीं करते हैं तो आपको वो रैंडमली कोई भी डिपार्टमेंट दे देंगे, फिर आपकी चॉइस नहीं मानी जाएगी और बाद में आप उस डिपार्टमेंट को चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए अभी भी टाइम है, आप अपनी डिपार्टमेंट लिस्ट फिल कर लीजिए। डिपार्टमेंट लिस्ट के लिए प्रेफरेंस हमारी क्या होनी चाहिए, उसके लिए हमने एक वीडियो अपलोड कर दी हमारे चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसी के साथ अगर किसी पर्सन को पता करना है कि उनके डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स हैं, तो उनकी वीडियोज़ भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। जो भी लिंक है वीडियो का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, उसमें आपको सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको किसी भी बात पे कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका आंसर देंगे कि आपकी क्या चॉइस होनी चाहिए या आप इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आपकी क्या चॉइस होगी, ठीक है। चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं कि क्या करना है हमें। देखिए, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक स्टूडेंट लॉगिन खुल जाएगा, कैंडिडेट लॉगिन, जहाँ पे आपको अपनी SSID और पासवर्ड फिल करना है। ये सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको क्या गलती आपकी हो गई, क्या आपकी प्रेफरेंस फिल हो भी गई है नहीं हो गई है, तो वो भी हम चेक करेंगे जैसे हम फिल करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट ने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट फिल कर ली है, उसने अपनी प्रेफरेंस 20 मार्च को ही फिल कर ली थी, 12:10:35 पे। तो अगर आपकी प्रेफरेंस लिस्ट फिल होगी या नहीं होगी, इसके लिए क्या है कि एक तो यहाँ पर टाइम, यहाँ पर पता लग जाएगा कि फिल्ड हो चुका है नहीं हो चुका, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन क्या है कि अगर पहली बात तो जिन्होंने फिल नहीं किया उनके लिए आपको क्या करना है, फिल करने से पहले ताकि आपके कोई गलत ऑप्शन ना फिल हो जाए, आपको सबसे पहले यहाँ से जब हम बैक पे जाएंगे तो वहाँ पर आता है कि लिस्ट के लिए जब आप अपनी SSID फिल करेंगे डाउनलोड का ऑप्शन आता है ना, तो आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। प्रेफरेंस लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिए, एक उसका प्रिंट निकाल लीजिए।
अब उस प्रिंट पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी अपने प्रेफरेंस 1, 2, 3, 4 है इन बॉक्सेस में फिल कर लीजिए। उसके बाद आपको अपने पीसी पे या जैसे भी आपको फिल करना है कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, तो वहाँ पे फिल करना इजी हो जाएगा और आपके गलत होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो जो आपकी प्रेफरेंस होगी वो आप अपने देख सकते हैं, जैसे भी आपको जो प्रेफरेंस फर्स्ट फिल करनी है, सेकंड फिल करनी है। उसके बाद आपको श्योरिटी का मिलेगी आपने की प्रेफरेंस लिस्ट फिल हो भी गई है नहीं है। एक तो यहाँ पर आएगा फिल डेट, यानी आपने डेट जिस डेट को फिल कर दिया है। तो अगर आपके ये शो नहीं हो रही, यानी अभी तक आपकी प्रेफरेंस लिस्ट सबमिट नहीं हुई है। सेकंड थिंग जो हमारे लिए रहेगी कि क्या हमारे लिए श्योरिटी रहेगी, यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आएगा। देखिए, जब आप प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगी कि आपको PDF सेव करनी है, जैसे भी करना है। यानी आपकी प्रेफरेंस लिस्ट फिल हो गई है तभी ये ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, अदरवाइज ये नहीं आएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि जिसमें हमने आपको बताया कि अगर आपकी प्रेफरेंस फिल हुई है या नहीं हुई है तो आप इस अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं अपनी। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक प्रेफरेंस लिस्ट फिल नहीं की है वो हमारी वीडियो को चेक कर सकते हैं, उसमें आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाएगी कि कौन सी प्रेफरेंस आपकी होनी चाहिए। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए और सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं। और जो बाकी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट बची हैं उनकी एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी जितने भी उनके वहाँ पर सीट्स हैं, वैकेंट सीट्स हैं, उसकी वीडियो भी हम जल्दी अपलोड कर देंगे। मिलते हैं हम कुछ टाइम बाद, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ स्टे होम, स्टे हेल्थी, थैंक यू।